हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस क्रिएटिविटी विद मी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये इस तरह की एक थाली रखी हुई थी, इसी को मैं आज डेकोरेट कर रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसी के लिए मैं इस थाली को डेकोरेट कर रही हूँ। ये मेरे पास एक कॉपर की प्लेट रखी हुई थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैं इसी को डेकोरेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, ताकि उस पर हल्की सी भी रस्ट ना हो। साफ़ करने के बाद ये इस तरीके से, मेरे पास ये एक शाइनिंग वाला कपड़ा रखा हुआ था, मैं मंदिर के लिए लेकर आई थी, तो ये इसी को मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी। मैंने चारों तरफ से ये जो इसकी गोल्डन पट्टी लगी हुई थी वो निकाल ली, और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इसको अच्छे से स्टिक कर लिया। पीछे भी इससे भी मैंने स्टिक कर लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया। फिर मेरे पास ये कुछ इस तरीके के कलर्ड पॉम पॉम रखे हुए थे, क्योंकि एक कलर्ड कपड़ा है तो इस पर एक कलर के पॉम पॉम अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने इस पर ये सारे कलर के पॉम पॉम का यूज़ किया। पॉम पॉम मेरे पास रेड, येलो और ये इस तरीके के कलर के रखे हुए थे। आप पर पॉम पॉम नहीं हो तो आप इस पर फ्लावर लेस का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इस तरीके से मेरे पास मिरर्स रखे हुए थे, उसका यूज़ किया और ये मेरे पास एक्रिलिक कलर की खाली बॉटल्स रखी थी, उनको क्लीन करके उनके अंदर मैंने रोली रख ली, चावल रख लिए। इस तरीके से मेरी एक प्लेट रेडी हो गई। इसमें मैंने ये देखी, इस तरीके से राखी रखी, दीपक रख लिया, बस। तो सिंपल एंड ईजी वे में मेरी एक प्लेट बनकर रेडी हो गई। कुछ मुझे बाहर से लाना नहीं पड़ा, जो सामान मेरे पास घर पर रखा हुआ था उसी से मैंने अपनी ये इस तरीके से एक प्लेट रेडी कर ली। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।